हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन विद किरण। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अखंड ज्योत की बाती कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो पता नहीं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ, जैसे मैं बना के अखंड दिया लगाती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अखंड ज्योत बनाने के लिए, मैंने ये लिया है मोली। इसको तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इसको मोली कहते हैं, कच्चा सूत भी कहते हैं और कलावा भी कहते हैं। तो अखंड ज्योत बनाने के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है। इसमें मेरी छोटी सी बिटिया मेरी मदद करती है। आओ बाबू, इधर आ जाओ। तो ये मैंने लिया है लाल रंग का धागा जिसको कलावा भी कहते हैं। इसको मैं अपनी छोटी सी बच्ची के हाथ से नाप लेती हूँ, ये ऐसे मैं उसको नाप लेती हूँ और फिर यहाँ से ये इतना मैं ले लेती हूँ और फिर मैं उसी के हाथ से इसको कटवाती हूँ। लो बाबू, इतना काट दो इसको, यहाँ वो थोड़ा बीच में, बीचों बीच में, हाँ काट दो। शाबाश, आराम से, जय माता दी। अभी ये हमारे पास जो चार धागा बना है इसमें हम बाती बनाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शुभ माना जाता है कि किसी छोटी कन्या के, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या के हाथ से नाप के आप ये बाती का धागा उसी के हाथ से कटवाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और मेरे घर में बेटी है तो फिर क्या करने का, तो मैं उसी के हाथ से करती हूँ। अब इसकी बाती कैसे बनाएंगे आप वो देखिए। अब हम इन दोनों सिरों को पकड़ लेंगे। अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए है तो ठीक है, आप ये कोना उसकी मदद से पकड़वा सकते हैं, नहीं तो आप ये बेड के पाए से भी बांध सकते हैं ऐसे, या फिर दरवाजे के हैंडल से भी बांध सकते हैं। लेकिन कोई है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, जैसे मैं अभी अपने बेटे की मदद ले लूंगी। इसको साथ तक से पकड़ो, इसको टाइट पकड़ो, मेरा हाथ दिख तो आपको दिख रहा होगा। तो हमको इसको बल खिलाने के बल इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो ये बाती में बल पड़ने शुरू हो गए हैं। इसको हम एकदम टाइट कर देंगे। अब जितनी टाइट बाती रहेगी उतनी अच्छी आपकी बाती जलेगी। आप जितना इसमें बल लगाएंगे आपकी बाती उतनी अच्छी जलेगी। मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि अक्सर बाती की वजह से ही ज्योत बुझ जाती है। अगर बाती अच्छी रहे तो ज्योत नहीं बुझती है। और रही बाकी देखभाल की, तो हर कोई माता का भक्त होता है, अच्छे से ही माँ की ज्योत की देख देख करता है, लेकिन बाती की वजह से हमारी ज्योत कभी कभी बुझ जाती है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए बाती अच्छी होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप इसको जितना टाइट कर सकते हैं कर लीजिए। आप देख रहे होंगे कि बाती पूरी सिकुड़ गई है, तो इसको हम और टाइट कर देंगे। बस जितना टाइट कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, इस पे जितने बल पड़ेंगे आपकी बाती उतनी अच्छी रहेगी। तो मैं इसमें बल डाल रही हूँ, इसको घुमाते जाएंगे ऐसे। छूट गई, कोई बात नहीं, सब हो जाता है ऐसे। तो देख रहे होंगे आप इसमें बहुत सारे बल्ब पड़ चुके हैं और बत्ती एकदम टाइट हो चुकी है। अब ये टाइट हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको ऐसे ये बीच में से लेके छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ये हमने पकड़ लिया तो ये छोड़ देंगे तो बाती अपने आप ही मुड़ जाती है। देख रहे होंगे जैसे ये बाती मुड़ चुकी है, और ये इसको भी थोड़ा हम ऐसे घुमा देंगे तो ये
बाती बन चुकी है, आप देख रहे होंगे ये बन चुकी है बाती, और हम इसको अब बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा और टाइट कर सकते हैं, सार्थक पकड़ो इसको, ये करके आप इसको थोड़ा और टाइट कर सकते हैं ऐसे, बस छोड़ दो। तो ये देख रहे होंगे आप, ये बाती बिल्कुल रेडी है, बनने की बन गई है, और ये आराम से आपके 9 दिन चलती है। तो ये आपकी बाती बन चुकी है, अब हम इसको दिए पे लगाएंगे। दिए में ये एक तरह, ये इस तरह का दिया होता है, पहले मेरे पास यही दिया था, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब इसमें ये बाती लग जाती है तो जलने के बाद ये चीज़ गर्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे बाती खिसकानी होती है तो आपका हाथ इधर टच होता है, ये इधर टच होता है तो गर्म लगता है, जलने का डर भी रहता है, और ऐसे हो जाता है तो बाती भी खिसक जाती है, और इसको मेंटेन करना तो बहुत ही मुझे मुश्किल लगा। हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये अखंड दिए का लैंप लिया है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, और इसमें आपकी बाती अच्छे से मेंटेन हो जाती है। आप आराम से बत्ती को ऊपर खिसका सकते हैं, आपके लगने का भी डर नहीं होता, प्लस ये ऐसे रहता है तो आपको बराबर दिखता रहता है कि आपकी जोत कितनी जल रही है। ज़्यादा जल रही है तो कम कर देते हैं, कम जल रही है तो थोड़ा उठा देते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नीचे है तो अच्छे से बत्ती उठ जाती है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम इसको इसे लगाएंगे, से भी लगा सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, तो ये यहां से आप इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे गीला कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये आराम से इसमें चली जाएगी, आपने देखा ये आप आराम से जा रही है। आराम से ये बाती आ चुकी है, अब इसमें हम लगा देंगे और बाती को ये डाल देंगे। तो बाती को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा भी बाती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पूरा धुआं धुआं निकलता है, और जिस बाती से धुआं निकलता है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपकी एकदम मीडियम साइज की जो लोहा होती है उस तरह से जलनी चाहिए, और फिर जब ये ऊपर कालिक जम जाए तो आप इधर माचिस की तीली से आराम से नीचे से उठा सकते हैं। माचिस की तीली दे दें, तो आप आराम से इससे माचिस की तीली से ऐसे उठा सकते हैं, ऊपर से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे हम ऊपर उठा सकते हैं, ऐसे ये ऊपर उठ जाती है। और आप चाहे तो ऊपर से यहाँ से उठाने के लिए किसी चिमटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आईब्रो बनाने की वाली चिमटी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आसानी से ये ऊपर उठ जाती है। तो ये उठ जाती है आराम से, देखिए आराम से उठ जाएगी, देख रहे हैं। तो अगर आपको बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं, और ये बाती भी मुझे थोड़ी मोटी लग रही है, आप चाहे तो और टाइट कर सकते हैं, जितनी टाइट रहेगी ये बाती उतनी आपकी बाती अच्छी बनेगी। और ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि जाड़ी है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी ये बाती मोटी है, तो इसको और टाइट कर सकते हैं, आप जितना घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी और पतली हो जाएगी और अच्छी जलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे बनानी है बाती, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो अब हमारी बाती बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें तेल डाल लेंगे।
तो ये थी मेरी बाती बनाने की, कैसे मैंने बाती बनाई। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। 2 दिन में नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। अगर आपको पसंद आया और आपको लगा कि हाँ ये बाती ठीक है, अच्छी जलेगी, तो आप भी जरूर ऐसी बाती बनाइए, और अगर किसी और को भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसको ज़रूरत होगी, ताकि उस तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फिर तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जोर से बोलिए जय माता दी।